यूपी और उत्तराखंड की खबरों के लिए एबीपी गंगा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। यूपी में 3 नवंबर को 7 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से ठीक पहले प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल यादव का बड़ा बयान सामने आया। शिवपाल यादव ने कहा कि 2022 के चुनाव में हम अपनी पार्टी का किसी भी पार्टी में विलय नहीं करेंगे, हम सिर्फ गठबंधन करेंगे। हमारे संवाददाता से उन्होंने खास बातचीत की। देखिए, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी, हम अलायंस करेंगे और हम चाहते हैं कि मतलब सब लोग साथ रहें। साथ मतलब अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी भी साथ रहे, तो आप पार्टी को खत्म नहीं करेंगे, विलय नहीं करेंगे, अलायंस करेंगे? अलायंस करेंगे, हमारी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी रहेगी। अगर अखिलेश यादव आते हैं कहते हैं कि नहीं चाचा चलिए अब साथ में ही हम चुनाव लड़ेंगे, तब तो आपका विचार बदलेगा? नहीं, अलायंस करेंगे और हमने तो पहले भी कहा है, हमने पहले भी कह चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी को हटाने के लिए हम त्याग भी कर सकते हैं, लेकिन हमारी प्रगतिशील समाज पार्टी पार्टी रहेगी और हम अलायंस करेंगे। प्रदेश के करीब 3.5 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को योगी सरकार जल्द ही बड़ी राहत दे सकती है। वित्त विहीन विद्यालयों के शिक्षक कोरोना काल में आर्थिक रूप से बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। किसी का वेतन काटा गया, किसी को निकाला गया। योगी सरकार इन शिक्षकों को अब आर्थिक मदद देने पर मंथन कर रही है। प्रदेश के 20,558 वित्त विहीन स्कूलों में करीब 3.5 लाख शिक्षक है। कोरोना के चलते मार्च से स्कूल कॉलेज बंद है। वर्तमान सत्र में एक भी दिन स्कूल नहीं खुला, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई का सहारा है। ऐसे में कई स्कूल्स ने कॉस्ट कटिंग के नाम पे शिक्षकों के वेतन में भारी कटौती से लेकर उन्हें निकाला तक है। और अब बात हाथरस कांड की, जिसमें आज उस वक्त नया मोड़ आ गया जब मामले के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर ने जेल से हाथरस के एसपी को एक चिट्ठी लिखी, जिसने आरोपी ने खुद को बेगुनाह बताया है और लिखा है कि उसके और पीड़िता के बीच में गहरी दोस्ती थी और पीड़िता का परिवार इसी बात से नाराज था। हाथरस कांड में आया नया मोड़, मुख्य आरोपी ने जेल से लिखी चिट्ठी। एसपी को लिखी चिट्ठी में बड़ा दावा, आरोपी ने पीड़िता को बताया दोस्त। हाथरस कांड का सच जानने के लिए चल रही एसआईटी की जांच के बीच हाथरस कांड के मुख्य आरोपी संदीप ठाकुर की जेल से लिखी गई चिट्ठी से मामले में नया मोड़ आ गया है। आरोपी संदीप ठाकुर ने हाथरस के एसपी को भेजी इस चिट्ठी में लिखा है, सेवा में पुलिस अधीक्षक हाथरस प्रार्थी हूं। पुलिस द्वारा एक झूठे केस में दिनांक 20 सितंबर 2020 को जेल भेज दिया गया था। प्रार्थी पर झूठा आरोप लगाया गया था कि उसके द्वारा गांव की लड़की के साथ गलत काम और मारपीट की गई थी, जिसके बाद में मृत्यु हो गई। इस झूठे केस में अलग अलग दिनों में गांव के 3 अन्य लोग, जिनका नाम लवकुश, रवि और रामू है, जिसमें रवि और रामू रिश्ते में मेरे चाचा हैं, को भी जेल भेज दिया गया। जहां तक मृतका की बात है, वो मेरे गांव की लड़की थी जिससे मेरी दोस्ती थी। मुलाकात के साथ मेरी और उसकी कभी कभी फोन पर भी बात होती थी। हमारी दोस्ती उसके घर वालों को पसंद नहीं थी,